बच्चों, पिछले पाठ में हमने नंबर पैटर्न को जोड़ का इस्तेमाल कर सुलझाना सीखा। इस वीडियो में हम और नंबर पैटर्न देखेंगे। आइए देखें जीव का अगला कोड क्या है। जीव का अगला कोड कुछ इस तरह नजर आ रहा है। बबलू ये कोड देख परेशान हो गया। उसने राजू से कहा कि पहले दरवाजे पर लगे कोड के पैटर्न को पहचानने के लिए उसने दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाया था, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं कर पा रहा है। राजू को अचानक चाचा की कही बात याद आ गई और उसने बबलू से कहा कि जरूरी नहीं है कि हर नंबर पैटर्न केवल पहली संख्या में नंबर जोड़कर ही बने। कुछ नंबर पैटर्न घटाव का इस्तेमाल कर भी बनाए जा सकते हैं। तो अब राजू क्या करेगा? अब राजू ने पहले 496 में से 484 घटाए तो उसे कितने मिले? उसे 12 मिले। अब उसने 484 में से 472 घटाए तो कितने बचे? फिर से 12 मिले। बबलू, मुझे पैटर्न मिल गया। इस कोड की हर संख्या उसके पिछली संख्या से 12 कम है, राजू ने बबलू से कहा। तो अब राजू को कोड की अगली संख्या पाने के लिए क्या करना होगा? कोड की अगली संख्या पाने के लिए 472 से 12 घटाने होंगे तो कितने बचे? इस तरह हमें मिले 460। अब इसकी अगली संख्या पाने के लिए हमें क्या करना होगा? 460 में से 12 घटाने होंगे और हमारे कोड की आखिरी संख्या हो गई 448। राजू ने जीव के दूसरे दरवाजे में उसके ढूंढे नंबर डाले और वाह, दरवाजा खुल गया। अब राजू और बबलू अपनी आखिरी दीवार के सामने खड़े हैं। उन्हें दीवार पर उनका आखिरी कोड नजर आया। वो कोड क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन क्यों ना आप भी एक कोड का उत्तर ढूंढें? बच्चों, आज हमने नंबर पैटर्न को घटाव का इस्तेमाल कर सुलझाना सीखा।